वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स उनका साइड्स के साथ क्या रिलेशन है और प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन से होते हैं और हाउ टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट ओरली ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स के, तो ये हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस पर बना हुआ जो ये स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, सम ऑफ द परपेंडिकुलर पर बने स्क्वायर और बेस पर बने हुए स्क्वायर के बराबर है। मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट्स है वो क्या हुआ, जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड जिसकी साइड्स कर दें तो वो ट्रिपल्स आ जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं हाइपोटेनियस कितना है, 5 है, परपेंडिकुलर 3 और 4 बेस है, तो सॉल्व किया तो ये क्या हुआ, इसने सेटिस्फाई कर दिया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के बराबर हो गया, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया 3 4 5, और 3 4 5 ने एक राइट एंगल भी बना दिया, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या देखते हैं कि ये देखो ये क्या है, कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है, तो सक्सेसिव हुए ये, ठीक है। तो सक्सेसिव कैसे हुए, ये कितने 6 है डॉट्स और यहाँ 3 है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर इज द सम ऑफ 2 सक्सेसिव ट्रायंगुलर नंबर, क्लियर। तो अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर या दो साइडों में से किसी एक साइड की वैल्यू 2m होती है और दूसरे की m स्क्वायर माइनस 1, और जो हाइपोटेनियस होता है क्योंकि सबसे बड़ी साइड होती है तो इसकी वैल्यू हमेशा m स्क्वायर प्लस 1 होगी, और m की जो वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अभी देखो यहाँ हमने m इज इक्वल टू 2 रखा और यहाँ वैल्यू पुट की, तो हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम m की वैल्यू इवन नंबर रखते हैं तो हमारे पास ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आते हैं ये ऑड नंबर्स आ जाते हैं। अगर हम m की वैल्यू ऑड नंबर रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ट्रिपलेट्स हमारे 6 8 10 आ गया, इट मींस ऑल साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इवन नंबर आएंगी। अगर m इज इक्वल टू हम 3 रखेंगे, m इज इक्वल टू 4 मींस इवन नंबर, इवन नंबर रखेंगे तो जो ट्रिपलेट्स आते हैं वो क्या आते हैं, ऑड नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। 2 ऑड नंबर्स आ गए और एक इवन नंबर आ गया। अब हमने m इज इक्वल टू ऑड नंबर रखा, वैल्यू पुट की और सम को सॉल्व किया तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो आ गए वो इवन नंबर आ जाते हैं। तो अगर m इज इक्वल टू 6 मीन्स इवन नंबर रखते हैं और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आएंगे वो 2 जो होंगे वो क्या आएंगे, ऑड नंबर्स आ जाएंगे और एक इवन नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ रिवीजन कर लेते हैं कि अगर m की वैल्यू इवन नंबर है तो जो ट्रिपलेट्स हमारे आते हैं उसमें हमारे 2 ट्रिपलेट्स जो आएंगे वो ऑड साइड्स जो आएंगी वो क्या आएंगी, ऑड आएंगी और एक जो होगी वो इवन नंबर आएगी। अगर हम m की वैल्यू ऑड नंबर रखेंगे तो ये देखिए तो हमारे पास जो ट्रिपलेट्स की वैल्यू आएंगी वो सारे के सारे ट्रिपलेट्स जो हैं वो इवन नंबर में आएंगे। हम ट्रिपलेट्स के मल्टीपल भी कर सकते हैं, तो उनको हम क्या करें कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक मल्टीप्लाई किया ट्रिपलेट्स को, तो हमारे पास जो मैक्सिमम जो आ रही है हाइपोटेनस की वैल्यू 100 तक, हमने अभी सिर्फ 100 तक ही करने हैं, तो आगे करते जाओ जितने करते जाओ, लेकिन एक ही नंबर से सबको मल्टीप्लाई करना है ट्रिपलेट्स को। तो 5 12 और 13 ट्रिपलेट्स के भी हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास अप टू 100 तक के हमारे पास 7 मल्टीपल्स आ जाएंगे। 8 15 और 17 के अगर हम ट्रिपलेट्स के मल्टीपल निकालें तो हमारे पास कितने मल्टीपल आ जाएंगे, अप टू 100 तक हमारे पास 5 मल्टीपल आ जाएंगे। तो 7 24 25 के कितने मल्टीपल आ जाएंगे, हमारे पास 4 आ जाएंगे। तो ये तो जस्ट एक आप लोग को थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, अदरवाइज तो
अदरवाइज तो आप लोग समझ चुके हैं। तो 8, 15 और 17 के मल्टीपल कितने आ जाएंगे हमारे पास, 5 मल्टीपल आ जाएंगे। तो मेन तो ट्रिपलेट निकालना होता है मुश्किल, फिर तो मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो बाकी के मल्टीपल तो निकल ही आएंगे आप लोगों से। 12, 35 और 37 के कितने ट्रिपलेट्स आ जाएंगे आपके, मल्टीपल सॉरी, आपके पास 2 मल्टीपल आ गए। 20, 21 और 29 के कितने आ गए आपके पास, 3 मल्टीपल आ गए। तो यहाँ हमने आपको समरी सी दे दी दी है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट विद साइड अप टू 100 तक की। तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट के कितने आ गए, 1 से लेकर 20 तक। तो पहला नंबर तो वैसे भी आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट आता है, और 2 से जब स्टार्ट होता है तब आपका मल्टीपल आ जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ देखिए हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 से 20, 2 से 7, 2 से 4, ये मल्टीपल हो गए। तो ऑल ट्रिपलेट्स आर नॉट ए प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये जो वैल्यूज आएंगी मल्टीपल्स से जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहलाएंगे, मीन्स प्रिमिटिव नहीं कहलाएंगे। प्रिमिटिव क्या होता है, जिनमें की जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी साइड ए बी सी जो है उनमें कोई कॉमन डिवाइजर ना हो। तो ये देखिए पहला देख लिए, इसमें देखिए कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, दूसरे में भी। इस तरह टोटल हमारे पास 16 प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, क्योंकि इनके कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि ऐसे ट्रिपलेट निकालो जिसकी कि 2 साइड्स कंसेक्यूटिव है, तो कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको ट्रिपलेट्स तो निकालने आते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि किस में कंसेक्यूटिव नंबर्स भी आएंगे 2 साइड्स के। तो ये देखिए 20, 21 आ गया, 120, 119 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 696, 697। तो ये फार्मूले से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हैं ऑड नंबर्स के ओरली निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले, कोई ऑड नंबर हमें दिया होगा उसका हम पहले सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और फिर उसके नियरेस्ट 2 इंटीजर्स आगे कौन कौन से हैं वो लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास तीनों ट्रिपलेट्स आ जाएंगे, पहला नंबर ऑड नंबर आ जाएगा, फिर इससे जो 2 आएंगे वो आ जाएंगे। तो सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑड नंबर 3 के ट्रिपलेट्स निकालने हैं, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 3 स्क्वायर 9 हो गया। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 को 2 से डिवाइड, 4.5 आ गया। तो नियरेस्ट 2 इंटीजर्स कौन से हो गए, आगे चलिए 4 और 5। तो ट्रिपलेट्स आपके पास कितने आ गए, 3, 4 और 5। तो क्लियर हो गया आपको, 3, 4, 5 आ गए, ओरली आपने कर भी लिया। अब आपने ऑड नंबर 5 के ट्रिपलेट निकालने, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 आगे चलिए, नियरेस्ट इंटीजर कौन से आ जाएंगे, 12 और 13। तो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट कितने आ गए, 5, 12 और 13। तो इस तरह आप 7, 9 और 11 के जो हैं ऑड नंबर जो हैं इनके आप ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। स्क्वायर करेंगे, फिर डिवाइड 2 से करेंगे, फिर नियरेस्ट 2 इंटीजर्स लिख लेंगे, तो ट्रिपलेट्स आपके पास आ जाएंगे। तो इवन नंबर के हमने ट्रिपलेट्स निकालने हैं, तो इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। इवन नंबर दिया हुआ है कोई, तो फर्स्ट स्टेप में इसमें हम डिवाइड करेंगे पहले, फिर उसकी स्क्वायरिंग करेंगे, और फिर नियरेस्ट 2 इंटीजर्स निकाल लेंगे, एक नंबर से पहले वाला और एक बाद वाला। तो इस तरह आपके पास पहला तो इवन नंबर आ जाएगा और बाकी के ये 2 आ जाएंगे। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आ जाएंगे, सम करते हैं। हमें 4 इवन नंबर के ट्रिपलेट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 आया, 2 का स्क्वायर किया, 4 आया। तो 4 यहाँ पर है, तो इसके एक इधर कौन सा नंबर आएगा, 3, और इधर कौन सा आएगा, 5। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कितने आ गए, 3, 4, 5 आ गए। तो ये देखिए आपके 3, 4, 5 आ गए। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमें 6 के ट्रिपलेट्स निकालने, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, तो मीन्स 9 कहाँ गया, यहाँ। तो 9 से पहले क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 8 और 10 आ जाएंगे। तो मीन्स ट्रिपलेट क्या हो गए, इवन नंबर, और 8 और 10 आ गया। अब एक और कर लेते हैं, 8 के हमने ट्रिपलेट निकालना, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 यहाँ है, तो 16 से पहले कौन सा नंबर है, 15, और बाद में कौन सा, यहाँ यहाँ पर 17 है। तो ट्रिपलेट्स हमारे क्या हो गए, 8, 15 और 17। इस तरह आप 10 और 12 इवन नंबर के भी ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले डिवाइड करना, फिर स्क्वायरिंग करेंगे, फिर यहाँ पर इस नंबर को रख देंगे, और इसके इधर और इधर जो नंबर्स आएंगे वो हमारे ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। तो अगर हम ऑड नंबर्स के ट्रिपलेट्स निकालें तो हमारा क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस और लॉन्गर साइड्स हमेशा ही कंसेक्यूटिव आती है। आप ये देखिए, ठीक है, जो नॉन इंटीगर साइड्स होती हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं बनाती हैं। हमने वैल्यू पुट करते हैं, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यू हमने एक एक रख ली दोनों की, परपेंडिकुलर और बेस की, सॉल्व किया तो हाइपोटेनियस की वैल्यू अंडर रूट में आ रही है। तो मीन्स ये क्या है, नॉट एन अंडर रूट टू इज नॉट एन इंटीगर। तो पाइथागोर ट्रिपलेट तो 1 1 अंडर रूट टू आता, इज नॉट ए पाइथागोर बिकॉज अंडर टू इज नॉट एन इंटीगर। अब हम इस एक और कंक्लूजन में आ गए, अगर एक ट्रायंगल है जिसकी कि 90 से कम है तीनों जो एंगल हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो सबसे बड़ी साइड होगा उसका जो स्क्वायर होगा दोनों जो साइड्स हैं उनसे कम होगा उसका स्क्वायर। अगर एक एंगल 90 से अबव है तो इसके सामने की साइड कौन सी होगी, एसी, इसकी वैल्यू हमेशा दूसरी साइडों पर बने हुए स्क्वायर से हमेशा ही ग्रेटर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मैक्सिमम बच्चा जो है बेनिफिट उठा सके। थैंक्स।